हमारे साथ मंच पर पूर्व सांसद आदरणीय हरिंदर मलिक जी, पूर्व विधायक पंकज मलिक जी, जिले हैदर साहब, पूर्व विधायक राम सावर अकेला जी और सर्व समाज एकता दल के जयपाल सिंह कश्यप जी, आज सभी लोगों का समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी संचालक महोदय, सम्मानित मंच, सम्मानित साथियों, आज उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों से त्राही त्राही कर रही है। किसान, नौजवान, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, कामगार, कलमगार, छायाकार सब परेशान हैं। छात्रों का भविष्य असुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, न जाने कौन जाने कब हाथरस कांड हो जाए, कब उन्नाव कांड हो जाए, कब बलिया कांड हो जाए, त्राही त्राही मची हुई है। संविधान का राज समाप्त है। लोग जाति और धर्म पूछ करके संविधान को एक तरफ छोड़ करके ठोक दो क्या कानून चला रहे हैं, ऐसा हमारे संविधान में कहीं व्यवस्था नहीं है। इन सब बातों से तंग आ करके उत्तर प्रदेश की जनता अतीत का अध्ययन करके, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज है उत्तर प्रदेश, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, 44 साल का राजनीतिक अनुभव है, लोग तंग और परेशान होकर के अतीत का जब अध्ययन करते हैं तो उन्हें आदरणीय अखिलेश जी के शासनकाल की याद आती है। गन्ने का किसान जानता है कि इस प्रकार इन्होंने 50 रुपए क्विंटल का अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार की मद से गन्ना किसान को दिया था। हम जानते हैं कि चीनी मिल समय पर चलती थी, आज चीनी मिल नहीं चल रही है, किसान का 20-25% गन्ना खड़े कोल्हू पर बर्बाद हो जाएगा और 220 रुपए क्विंटल जा रहा है खड़े कोल्हू पर। सरकार यहां माननीय गृह मंत्री जी के स्वागत में लगी है और मिल मालिक इनके संसाधन जुटाने में लगे हैं। आज भी गन्ना किसान का बकाया मूल्य बकाया है सर किस मिलों पर। हमारे यहां के माननीय गन्ना मंत्री जी हैं, प्रिय सुरेश राणा जी के विधानसभा क्षेत्र में बजाज शुगर मिल है, उनके जिले में 3 मिल है, तीनों पर बकाया है और बजाज शुगर मिल पर तो सबसे ज्यादा बकाया है। गन्ना किसान की कमर टूट गई, धान और आलू का किसान वैसे बर्बाद हो गया। किसान बोलता है चौपाल पर बैठ करके, अगर अखिलेश जी का राज होता तो जो अतिवृष्टि से क्षति हुई है उसमें अनुदान किसान को जरूर मिल जाता, पर मैं भारी मन से कह रहा हूं मेरा भी धान खराब हुआ है, कोई पूछने तक नहीं गया, कहीं मांग भी नहीं उठी। हम लोग चिंता ये करते हैं कि बिजली का बिल कहां से जाएगा। आज सबकी निगाहें समाजवादी पार्टी की तरफ है। बहुत ही सम्मानित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने मुझे 10 साल सदन में रहने का मौका मिला, 12 से 17 के मेरे 5 साल ऐसे थे, मैंने वो देखा जो नौजवान व्यक्ति पहली बार चुनाव जीत करके आया और जो दूसरी बार जीत करके आया, दोनों हैरत में थे। उन्होंने देखा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो नौजवान की महिलाओं के सम्मान के लिए, किसानों के लिए, हर जात हर धर्म के लिए जब हम अपनी समस्या बता देते तो सदन में खड़े होकर के हमारी बात को सुनने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। मेरा सौभाग्य है कि आज उनके नेतृत्व में काम करने के लिए मुझे समाजवादी पार्टी की सदस्यता मिली, आज मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ। बहुत ही सम्मानित यहां उपस्थित हमारी खाप के बाबा जी,
मेरे साथ आए नौजवान साथी जो हमारे यूथ कांग्रेस एनएसयूआई में लंबे समय जिन्होंने काम किया, चाहे ललित शर्मा हो, चाहे जुबेर टाटा हो, हमारे अब्बास हैदर साहब, जिल्ले हैदर जी, और बहुत ही सम्मान के जुनेद राउफ जो मेरे साथी हैं, लंबे समय उन्होंने काम किया मुजफ्फरनगर शहर में, अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी छोड़कर के आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, और समस्त उपस्थित यहां सम्मानित कार्यकर्ता का। जैसा कि सभी जानते हैं कि जिस तरह की सरकार आज सूबे में चल रही है, नौजवान परेशान है, महिलाओं के साथ जब अत्याचार होता है तो कोई भी घटना हो, हर घटना को दबाने का काम किया जाता है। हमारी समझ में ये नहीं आता, अगर कोई घटना हो रही है तो सरकार का काम है घटना की जांच करना, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना। जीप चला करके आदमी मारे जा रहे हैं, लिपापोती करने का काम किया जा रहा है। अगर कोई विधायक है, सांसद है, अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसे कहीं ना कहीं अनऑफिशियल रूप से इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, करो बचाने का काम हम करेंगे। मैं 10 साल विधायक रहा, मैंने देखा था अखिलेश जी का कार्यकाल किस तरह से हम आए, हम सत्ता नहीं विपक्ष के विधायक थे और सदन में खूब बोला करते थे, जितना भी हो सकता था सरकार की आलोचना भी उस समय हम लोगों ने की, लेकिन हमने एक सीओ की शिकायत की, एक जिम्मेदार अधिकारी की शिकायत की, उन्होंने तत्काल उसका संज्ञान लिया और उसे हटाने का काम किया। तो ये छाप एक अलग छाप है, और एक नौजवान जो इस सूबे को जिसने चलाया हो, अगर एक नौजवान इस सोच का हो तो वास्तव में सूबे की तरक्की होने का काम होगा। आज मेरा सौभाग्य है कि 18 साल मैं 2004 में पहला चुनाव लड़ा था, 18 साल एक परिवार एक राजनीतिक पार्टी में काम करने के बाद आज मुझे अखिलेश यादव जी का नेतृत्व मिला है। मैं अपने आप को, मेरा सौभाग्य है कि मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ काम कर रहा हूं।